नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। एक बार फिर से सबसे बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, भारत और पाकिस्तान। 23 सितंबर की तारीख है, शाम 5 बजे। दोनों टीमें एक बार फिर से भिड़ने को तैयार है, लेकिन एक सवाल यह कि भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ किन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरने जा रही है, यानी रोहित शर्मा टीम में क्या क्या तब्दीलियां कर रहे हैं, क्योंकि सामने पाकिस्तान है। मैच एक बार फिर से बहुत बड़ा है, महामुकाबले के तौर पर इसे देखा जाता है, और ये उस वक्त है जब सीमा पर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें लगातार कर रहा है और दूसरी तरफ मैदान में पाकिस्तान भिड़ने को तैयार है। तो भारत एक बार फिर से मैदान पे पाकिस्तान को चित करना जरूर चाहिए। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार रोहित शर्मा की प्लेइंग 11 क्या है। ओपनर्स की बात की जाए तो सबसे पहले शिखर धवन और रोहित शर्मा का नंबर आता है। दोनों हर बार की तरह आपको ओपनिंग करते नजर आएंगे। उसके बाद अंबाती रायडू, जो अच्छे फॉर्म में है, लगातार अच्छा खेल दिखा रहे हैं। उसके बाद नंबर आता है दिनेश कार्तिक का। उसके बाद नंबर आता है जबरदस्त खिलाड़ी केदार यादव का, जो बल्लेबाजी के साथ साथ टीम इंडिया को गेंदबाजी से भी जीत दिलाना जानते हैं और पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटे थे। जबरदस्त गेंदबाजी थी उनकी कि पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर था वो ध्वस्त हो गया। उसके बाद अगर बात की जाए तो महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें चौथे नंबर पर इस बार उतारा था रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन उनका नंबर वही है। हो सकता है कुछ तब्दीलियां की जाए, लेकिन वो जरूर टीम में है और जबरदस्त खेल दिखाने को बेताब नजर आ रहे हैं। उसके बाद अगर गेंदबाजों की बात की जाए तो टीम इंडिया 3 स्पिनर्स के साथ उतरेगा, जिसमें एक ऑलराउंडर है रविंद्र जडेजा। तो रविंद्र जडेजा खेल बेहद महत्वपूर्ण है, ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे, और जिस तरीके से बर्मिंगम में जो उन्होंने पारी खेली थी, जो बल्लेबाजी की थी, जो गेंदबाजी की थी, वो बेहद ही शानदार थी, और यही कारण है कि यहां पर जब उन्हें 15 महीनों बाद मौका मिला तो बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी की और उनके बल्लेबाजों को किस तरह से आउट किया ये हर किसी ने देखा। उसके बाद दो स्पिनर है चहल और कुलदीप यादव, ये दोनों स्पिनर टीम इंडिया को खेलते दिखेंगे। और उसके बाद अगर बात की जाए पेसर्स की तो बुमराह और भुवनेश्वर कुमार ने तो पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर दिया था, उनके टॉप ऑर्डर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। एक बार फिर से उम्मीद है कि शुरुआती झटके जरूर देंगे भुवनेश्वर कुमार। तो इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरते दिख रहे हैं रोहित शर्मा, कोई तब्दील यहां पर नहीं दिख रही। आप क्या समझते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और साथ ही टीम इंडिया का एक बार फिर से वही है कि गेंदबाजी की जाए तो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद किया जाए, बल्लेबाजी करने का मौका मिले तो रोहित शर्मा और शिखर धवन सहित पूरी टीम अप फॉर्म में है, और बुरा हाल कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जरूर होता दिख रहा है। आप अपनी राय दीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।